क्लियर हो गई है। प्रिपरेशन आपको कैसे शुरू करना है, अगर आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, आप ट्यूशन पढ़ा रहे हो या अपना खर्चा चलाने के लिए आपको काम करना पड़ेगा, तो आपको फर्स्ट ईयर से ही शुरू कर लेनी चाहिए। अगर आप मिडिल क्लास हो या लोअर मिडिल क्लास हो, मैं तो लोअर मिडिल क्लास हूँ, आजकल और ज्यादा टफ होता जा रहा है पेपर, आपको करने से पहले सिलेबस अच्छे से याद होना चाहिए, है ना। और तीसरा कि आप टॉपिक्स भी आपको याद होने चाहिए, सिलेबस खत्म खत्म होते होते आपको सब टॉपिक्स याद कर लेने चाहिए। जो सिलेबस है उसे बना के आप गाओगे और सुबह शाम उसे याद करोगे। जब तक सिलेबस याद नहीं होगा कोई फायदा नहीं है कुछ भी पढ़ने का। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, हर 3 लेक्चर के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। ये भी परेशानी थी कि मैं ऑप्शनल कौन सा, जब मैंने अपने लोगों से कंसल्ट किया तो उन्होंने मुझे यही कहा कि अगर तुम्हें प्रिपरेशन तुम 3 साल से शुरू कर रहे हो, 3 साल है तुम्हारे पास, तो तुम्हें ऑप्शनल से प्रिपरेशन शुरू नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जीएस पेपर से करना चाहिए, क्योंकि जीएस पेपर भी तो मायने रखती है। तो मैंने जीएस पेपर का सिलेबस ले लिया, तो मैंने 3 साल का सब्सक्रिप्शन लिया। मैंने उन्हें कहा कि आप मुझे 6 साल का दे दीजिए, लेकिन वो थोड़ा ज़्यादा पैसा था और नहीं, तो इसलिए मैंने कहा कि ठीक है आप मुझे 3 साल का जीएस पेपर का दे दीजिए सारा का, ऑप्शनल मैं बाद में ले लूँगी। उसमें संकल्प से शुरू किया फर्स्ट ईयर से। मेरे विकास द्विवेदी सर ने क्या कहा था कि आपको सेकंड ईयर से प्रिपरेशन शुरू, क्योंकि यूपीएससी का प्रिपरेशन अगर आप अच्छे से कर पाते हैं, अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं, मतलब बहुत एवरेज नहीं है, बहुत आपके पास 18 महीने काफ़ी हैं स्टडी करने के लिए, और अगर आप सेकेंड सेमेस्टर से कीजिएगा तो 12x24 महीना होता है, 24 महीना में 4 महीना मान लीजिए आप बीमार पड़ गए, 18 महीने तो काफ़ी है ना प्रिपरेशन के लिए, तो इसलिए वो कहते हैं। लेकिन मेरे केस में कैसा है कि अभी भी मुझे अपना स्टडी मटेरियल और भी बहुत सारी चीज़ें, और मुझे 3 घंटे तक कोचिंग पढ़ाना ही है, तभी मैं अपना खर्चा निकाल पाऊंगी, वरना मैं अपनी किताब कॉपी किसी का खर्चा नहीं निकाल पाऊंगी। समझती हूँ आज तक के एजुकेशन से, उसके बारे में सुनिए। सबसे पहले ना आपको सिलेबस बना के रखना चाहिए, जैसे एक चार्ट पेपर लीजिए, इसमें आप जीएस पेपर 1 का सिलेबस लिख लीजिए, अगर नहीं होता है तो सिर्फ हिस्ट्री का सिलेबस लिखिए। मैं तो ऐसे की हूँ, हिस्ट्री और हिस्ट्री का अपने लाइन है, और जो मैंने सिलेबस लिखा है उसमें मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी को बांट दिया है, इसको बांट दिया है, उसको बांट दिया है। हमारे जो सर जैसे पढ़ाए थे ना, पहले सर सिलेबस बताते हैं कि ये हम पढ़ने वाले हैं, तो उसे मैंने लिख लिया है, वैसे ही मैं अभी भी लिखने वाली हूँ। उसके बाद मैंने इसे याद करने के बाद मैंने लेक्चर्स देखे। ओके, हर 3 लेक्चर्स पे मैं अपने आप को एक टेस्ट देती हूँ। जो भी आप लेक्चर देखना है, चाहे वो आप स्टडी आईक्यू का है या बायजूस का है या फिर अनअकैडमी का है या फिर किसी का है, तो उसमें टेस्ट होता है, टेस्ट पेपर होता है। अगर नहीं होता है ना, अगर आपके पास टेस्ट पेपर नहीं है, बस अगर उसके अलावा भी आपके पास कुछ नहीं है, तो आप यूट्यूब पे जाके टेस्ट दे सकते हैं। मतलब अगर आपने एंशिएंट इंडिया पढ़ा तो एंशिएंट इंडिया का आप टेस्ट दे सकते हैं। 200 क्वेश्चन 300 क्वेश्चन एक वीडियो में सर लोग करवाते हैं, तो एक बार आप 3 लेक्चर आप पढ़े ना, उसको याद कीजिए और उसके बाद उसका टेस्ट दीजिए। इससे क्या होगा कि आपको ये भी पता चल जाएगा कि उसमें से इम्पोर्टेंट क्या है, क्या सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और आपको अपनी क्षमता ही पता चल जाएगी कि आप जिस तरीके से याद कर रहे हैं वो तरीका अच्छा है। हिस्ट्री को कंप्लीट कर चुकी हूँ ना, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं अब बाकी के सिलेबस लिख लूँ, एथिक्स पेपर और बाकी का, और मेरा जब एग्ज़ाम ख़त्म होगा उसके बाद मैं बाकी के सब्जेक्ट शुरू करूँगी। इन तीनों का रिविज़न और बाकी के सब्जेक्ट को नया टाइम दूंगी, 6+3 करके, 3 घंटा रिविज़न, 6 घंटा नया चैप्टर, उसमें भी 6 घंटे में 2 घंटा हो सकता है रिविज़न करूँ और 4 घंटा फिर नया कॉन्सेप्ट, तो ऐसा कुछ मेरा रूटीन होने वाला है। उसके अलावा आपको क्या करना है, आप सिलेबस को याद कैसे करना है, क्योंकि सिलेबस लिखे क्यों है, याद करने के लिए ना, तो याद कैसे करना है कि आप इसको अपने दीवार पे चिपका दीजिए, मैं बाकी का यहाँ चिपकाने वाली। 1000 years later economic resource planning, mobilization of resources, growth, employment, inclusive growth and resource trade, government budgeting, major crops in various parts of country, cropping pattern, type, irrigation, irrigation system, forms, subsidies, MSP and resource trade, direct, indirect, storage and transportation and marketing of agro product and issues, and challenges, PDS, objective, functioning, limitations, revamping issues of buffer stock and food security, e-technology to aid farmers, e-technology of missions, economic and animal rearing, food processing and related industries in India, scope, significance, local location, upstream, downstream requirements, supply chain management, land reforms in India, effect of liberalization, changes in industry and policy effect, infrastructure, railway, road, air, investment. Thank you.